कम 1500 से स्टार्ट किया गया था और साइकिल से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पूरे सामान की अगर कॉस्ट जोड़ी जाए तो ये लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान होगा। हमको 1000 रुपए से 2000 रुपए से 5000 रुपए से 10000 रुपए से जितने से चाहे आप उतने से स्टार्ट कर सकती हो। बस भाई दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो जरूर आप आने वाले टाइम में एक किराना स्टोर या फिर एक किराने की दुकान को चालू करने वाले हो। क्यों नहीं? तो भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे भाई से मिलवाने वाला हूँ जिनका नाम है मान सिंह। इन्होंने भाई अपना बिजनेस को मात्र 1500 रुपए से शुरू किया था और आज के टाइम में उनका वो बिजनेस 3-3.5 लाख का कारोबार कर रहा है। तो भाई लोग, इस वीडियो से आपको किराने की दुकान को शुरू करते टाइम कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है, तो वीडियो को आप पूरा देखना तभी आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कुछ नया बिजनेस या किराने की दुकान को शुरू करोगे ना, तो आप होलसेल वाल के पास जाओगे या बड़े दुकानदार वालों के पास जाओगे कि आप उनसे सामान लेने के लिए, तो भाई वो लोग ज्यादा रेट लगा के आपको ठग लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि किराना स्टोर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इसको आप हमको 1000 रुपए से 2000 रुपए से 5000 रुपए से 10000 रुपए से जितने से चाहे आप उतने से स्टार्ट कर सकती हो। ठीक है, हमने 1500 से सेल्समैन का काम स्टार्ट किया था जो कि दुकान वाले के लिए सामान लेके जाता है। ठीक है, तो आप अपनी दुकान है तो कुछ भी रख के खोल सकती हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है इसमें आप पूरा सामान कभी भी नहीं रख सकते, आपके यहाँ से ग्राहक हैं तो वो लौट के जाते ही रहते हैं। इसमें बहुत सारे सामान होते हैं, आप 1 करोड़ रुपए भी लगा दो तो भी आपके पास पूरा का पूरा सामान नहीं हो पाएगा। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो खुद चीज़ें क्रिएट करे। ठीक है, अगर आपको पैसे भी दे दे, ठीक है, आपकी दुकान में अच्छा खासा फर्नीचर भी लगवा दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए, ठीक है, तो शायद आप दुकान चला भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप संघर्ष कर करके धीरे धीरे वो चीज़ें करोगे, ठीक है दोस्तों, अगर मैं चाहता तो फर्नीचर वगैरह कब का भी लगवा लेता, लेकिन वो चीज़ें हमने की नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है काम करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि हमने 1500 रुपए से स्टार्ट किया था। ठीक है, 1500 रुपए में कुछ भी सामान नहीं आता। आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने 1500 से काम स्टार्ट किया था सेल्समैन का, तो वो अब सेल्समैन का काम है तो वो कितना बड़ा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों उसकी भी वीडियो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हो कि ये काम 1500 से स्टार्ट किया गया था और साइकिल से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तब हमारे पास बिल्कुल 2 थैले में सामान आ गया था, लेकिन अब ये जो सामान है तो वो कितना है। ठीक है, अभी यहाँ पर अलग अलग रूम में सामान है तो वो लगा दिया है, क्योंकि दोस्तों कभी कोई नुकसान ना हो इसीलिए अलग अलग रूम में सामान रख दिया है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है तो इसीलिए अलग अलग सामान रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने पैसा कमाया है तो पूरा का पूरा बिजनेस में नहीं लगाया है, बाकी का जो पैसा है तो हमने उससे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो भी आगे चल के बढ़ेगी, बिजनेस तो अपना बढ़ ही रहा है, लेकिन जितना पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए था तो उतना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है। अगर दोस्तों इस पूरे सामान की अगर कॉस्ट जोड़ी जाए तो ये लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब से हमने ये काम स्टार्ट किया है, ठीक है, चाहे सेल्समैन का हो या फिर ये दुकान हो, तो कुछ गांवों में जाके लोगों को हमने बताया है कि इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, सामान तुमको हम प्रोवाइड करेंगे, तो काफ़ी सारे लोगों को हमने दुकान भी खुलवाई है और काफ़ी सारे लोगों को हमने सेल्समैन भी सिखाई है। ठीक है, 4 से 5 लोगों को हम अपने साथ ऐसे सेल्समैन ही करवाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो व्यक्ति मेरी तरह ही अलग करते हैं। ठीक है ना, उनसे हमको कोई प्रॉफिट नहीं है, बस बात यह कि उनका जो रोजगार है तो वो चलने लगा है। ठीक है, बस दोस्तों ये जो बिजनेस है तो मेहनत मांगता है, आपको इस फील्ड में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, 1-2 महीने तक हमने इसमें मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। ठीक है, पर जैसे ही पैसा आने लगा, लोग हमको जानने लगे, हमको मार्केट से सामान अच्छी तरीके से मिलने लगा, ठीक है, हमको जैसे जैसे इसका नॉलेज हो गया तो बस बात एक ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक दिया करो।